दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीखे सब कुछ में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि डोर टू डोर सर्विस के माध्यम से आप अपने लिए जाति प्रमाण पत्र को किस तरीके से बनवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको OBC सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों डोर टू डोर सर्विस के माध्यम से आप और भी बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, जिनके वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस OBC सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए केवल और केवल 50 रुपये लगते हैं। इस सेवा की खास बात यह है कि आपको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना नहीं पड़ता और न ही इन्हें जमा करने के लिए आपको कहीं जाना होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक तो बनता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे www.delhi.gov.in। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और इसके बाद आप इस क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करके इसे हटा देंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा क्लिक हियर टू दिल्ली डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा D2D, जिसका मतलब होता है डोर टू डोर सर्विस। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, तो उस OTP को आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद आप इस चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहां पर लिखा है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विद ट्रैफिक लाइट्स, यानी इन स्क्वायर में आपको जहां जहां पर ट्रैफिक लाइट दिखाई दे रही है उनको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये ओके हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 4 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे, सर्विस डिटेल, सिटीजन डिटेल, अपॉइंटमेंट डिटेल और उसके बाद रिव्यू। और इसको स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे कर लेंगे पहले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रिवेन्यू डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो इसी डिपार्टमेंट से बनते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर रिवेन्यू डिपार्टमेंट को ओके करेंगे। और इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर सर्विस ग्रुप में, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अधिकतर कास्ट सर्टिफिकेट के नाम दिखाई दे जाएंगे, तो हमें यहाँ पर OBC के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सर्विस नेम में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ये कह रहा है कि जिनके माता पिता का 1993 का कोई प्रूफ हो तो वो इसको चूज करके यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनके माता पिता की तरफ से कोई उनका सर्टिफिकेट बना हुआ हो। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनके पास कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई ना कोई सर्टिफिकेट, चाहे वो दिल्ली की तरफ से हो या फिर किसी अदर राज्य की तरफ से बना हुआ हो, तो वो लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी पर क्लिक करूँगा और इसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है आफ्टर जनरेशन ऑफ ARN नंबर, यानी इस ARN नंबर के जनरेट होने के बाद इस सर्टिफिकेट को बनने में 14 दिन लगते हैं। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा और नीचे करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं उन सब की यहाँ पर नेम लिस्ट आ गई है। यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, केवल यहाँ पर आपको उन डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर लिखा है ID प्रूफ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ID प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, वोटर ID या फिर पैन कार्ड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का नंबर डालना होगा, तो मैं यहाँ पर अपने एक डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देता हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में यदि आपके पास किसी भी राज्य का कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो यहाँ पर आप उस डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में कॉपी ऑफ OBC सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट, यदि एप्लीकेंट के पास OBC का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दें, वरना आप यहाँ पर 4x0 टाइप कर दें। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ नंबर में वन फोटो ID प्रूफ, तो आप यहाँ पर अपनी ID का नंबर डाल देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सभी जगह आप अपनी सेम ID को ना लगाएं, हो सकता है इसकी वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, तो इसलिए आप अलग अलग जगह पर अलग अलग ID को ही लगाएं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है सेल्फ सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स इसका कोई नंबर नहीं होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है, यहाँ पर आपको सन ऑफ डालना है, यहाँ पर आपको अपनी एज डालनी है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डेट डालनी है और यहाँ पर आपको प्लेस नेम डालना है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर में यदि एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर उसके माता पिता साइन करेंगे, और यदि आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर खुद साइन कर सकते हैं। तो इसका कोई नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा है 19 सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे।
और यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी का नंबर डाल देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है परमानेंट एड्रेस प्रूफ, तो फ्रेंड्स यदि आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ अलग है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग डॉक्यूमेंट का नंबर डालना होगा, और यदि आपका एड्रेस प्रूफ सेम है तो आप यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट का नंबर भी डाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया फोटोग्राफ, तो फ्रेंड्स फोटोग्राफ का भी कोई नंबर नहीं होता है तो इसके लिए हम यहाँ पर 4x0 टाइप कर देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया लीव ए कमेंट, यदि आप यहाँ पर कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप दिखाई दे रहे किसी भी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, फिर चाहे वो पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिया हुआ आईडी हो जिसमें आपका फ़ोटो हो, या फिर राशन कार्ड हो विद फ़ोटो। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड को क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर फुल नेम टाइप कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में दिया हो। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक खास बात बता दूँ, यहाँ पर आप उन्हीं की आईडी और नाम को टाइप करेंगे जिनके लिए आप ओबीसी का सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 में अपना हाउस नंबर टाइप करना है, और उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपने गली या मोहल्ले का नाम टाइप कर देंगे, और एड्रेस लाइन 3 में आप अपने एरिया का नाम टाइप कर देंगे, और यहाँ पर हम अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे, और यहाँ पर हम सिटी में सिटी नेम टाइप कर देंगे। और उसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला मोबाइल नंबर आ चुका है। यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव नंबर डालना है। फ्रेंड्स ये इसलिए ज़रूरी होता है यदि किसी स्थिति में आपका नंबर बंद हो जाए तो जो अथॉरिटी से जो पर्सन आ रहा है वह आपके किसी दूसरे नंबर पर कॉल कर सके। तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर टाइप कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी को डाल सकते हैं, तो मेरे पास अपनी ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को डाल दूंगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर कैश, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब कोई पर्सन मेरे पास आ जाए तभी मैं उसे कैश दूँ, तो मैं यहाँ पर कैश पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्लॉट आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कोई एक ऐसा स्लॉट चूज करना है जिस दिन आप घर पर रहें, ताकि जो पर्सन अथॉरिटी से आ रहा है वो आपके साइन वगैरह करवा ले और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख करके उनकी फ़ोटोकॉपी को वो लेकर के चला जाए। तो इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी स्लॉट दिख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मॉर्निंग में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कोई भी स्लॉट अभी खाली नहीं है और ना ही यहाँ पर खाली है, लेकिन यहाँ पर 9:40 पर एक स्लॉट खाली है, तो आप जिसे चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आफ्टरनून में चूज़ करता हूँ 12 से 1 बजे का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, यही सेम नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स जिस डेट और टाइम को आपने चूज़ किया होगा उस दिन अथॉरिटी से कोई पर्सन आएगा और वही पर्सन आपके सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस साइट पर इस तरीके की और भी बहुत सारी सेवाएँ हैं जिनके बारे में मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो, नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।